अभी हो गया काम हमारा पूरा, देख हो गया, चेंज कर दिया। देख क्या, देख इधर राइट वाली साइड तो आ जा, मिल गया न्यू आ गई है पीछे से, एरो का फाइनली लग गया है ना। जो चीज हमने बोली थी हमने एरो का लगवाना है तो एरो का इंस्टॉल करवा के रखा। आवाज सुनाता हूँ, ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, या उसकी चीज़ पूरी होती है जो उसको चाहिए होती है, या उसकी नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है जो कि मुझे वुल्फ के चेहरे पे सामने दिख रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे और गर्मी में ठीक होने भी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और पीछे जनरेटर भी स्टार्ट हो गया। आई होप आपको आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी। और आज मुझे बुलाया है कावासाकी शोरूम, और किसने बुलाया वो भी आपको पता ही होगा। और आज कुछ समथिंग न्यू होने वाला है, समथिंग स्पेशल, वो आपको भी जल्दी से पता लग ही जाएगा। तो अब बिना लेट किए जल्दी से निकलते हैं और आपको भी वो चीज़ बताते हैं कि क्या न्यू होने वाला है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ और जिसने मुझे कॉल करके बुलाया था ना, तो वो वहाँ पे पहुँच भी गया है और अभी तक मैं यहीं पर, और मुझे गाड़ी नहीं मिली है। अब उसको कौन बताया यार, मेरे से व्लॉग बन ही नहीं रहा था। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि इतना ज़्यादा हैंग कर रहा था ना, मतलब एक क्लिप तक शूट नहीं हो रही थी। मैंने जो एक दो क्लिप शूट की है ना, मतलब बहुत ही मुश्किल से की है, एक दो भी नहीं, बस एक ही की है जो घर से निकलते टाइम मैंने स्टार्ट किया था। तो यार मैं अभी भी देख रही हूँ मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है क्योंकि शायद से गर्मी की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो चलो अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे गाड़ी मिलती है अब या नहीं मिलती है, मैं भी वहाँ जल्दी से पहुँचूँ क्योंकि सारे वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलो अभी शोरूम पहुँच चुकी थी जैसा आप देख ही सकते हो, और ये तो बाइक लेके ऑलरेडी बाहर ही है। तुम बाहर हो बाइक लेके? पहले हो गया काम हमारा पूरा, देख हो गया, चेंज कर दिया। देख क्या, देख इधर राइट वाली साइड तो आ जा, ये देख। हाँ, वो मैंने इनको बता दिया कुछ स्पेशल चीज होने वाली है, समथिंग न्यू वो है, मिल गया न्यू आ गई है पीछे से, एरो का फाइनली लग गया है ना। जो चीज हमने बोली थी हमने एरो का लगवाना है तो एरो का इंस्टॉल करवा के रखा तो है। ये देखो मिल तो गया है? मिल तो गया एरो का, ये लिखा हुआ है जो एग्जॉस्ट है न्यू वाला लगवा दिया है। तो ये बोल रही थी एरो एरो ही डलवाना है, तो एरो ही डलवाया। इसकी आवाज अच्छी है, मुझे सुननी है। आवाज इसकी ज्यादा अच्छी है। आसिफ भाई ये गाड़ी लेके आए हैं? हां हां, इनको गाड़ी में लाने के लिए बोला, कॉज इसका जो अपना एग्जॉस्ट है ना वो इसी में लेके गाड़ी में कर लेंगे। अच्छा, जो इसका सामान है। आवाज सुना दो, तुम सामान ला दो फिर। तुम यहाँ पे वेट करो। ठीक है। मतलब गाइस मैं इतनी लेट पहुँची हूँ कि मुझे बाहर से ही अब घर जाना पड़ेगा, मतलब सारी सर्विस वगैरह तो हो गई है और एग्जॉस्ट भी लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब जब किसी की ड्रीम्स पूरे होते हैं ना, या उसकी चीज़ पूरी होती है जो उसको चाहिए होती है, या उसकी नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है जो कि मुझे वुल्फ के चेहरे पर सामने दिख रही है। तो वो तो अंदर गया हुआ है बाइक का सामान लेने के लिए, जो कि बाइक का उतारा गया या जो भी हम, मेरे को पता नहीं कौन सा सामान है, तो वो ये वाली गाड़ी में लेके जाएगा वो, क्योंकि बाइक पे तो वो लेके नहीं जा सकता। और मुझे अब यहाँ से ही आ गया फाइनली सारा, खुशी देखो है? खुशी देखो जा रहे सारा सामान डालते ना। ये क्या था मेरे हाथ में? ये अपने डीबी किलर है यार, डीबी किलर दो, ये साथ लेंगे, क्या पता है, रख दो ना यहाँ पे, पुलिस वाले होंगे आगे, थोड़ी ऐसे चलना बनेगा, पता कितनी लाउड है। हाँ चलो अब मुझे तो छोड़ दो बड़े बेरोना तक, पुलिस वाले तो नहीं है वहाँ पे, अब तो पुलिस वाले का डर रहा है। तो क्या पुलिस वाले होंगे तो अब क्या, राइड तो लेनी है ना मुझे, मेरा आंसर दोगे अब जाओगे छोड़ने? हाँ चलो ना, क्योंकि अब कहीं और तो राइड करने जा नहीं सकते। हाँ, बड़े बनना तक ही छोड़ दो, लेट लेट हो गई है ना घर जाने के लिए, तो इसको आज घर ड्रॉप करेंगे। मैं लेट ही आई थी, तो कल 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 जो है कल मॉर्निंग में हम व्लॉग बनाएंगे साथ में, वो खुद मॉर्निंग में। हाँ जब मेरी मॉर्निंग तो अब क्या तुम पुलिस वालों को बार बार दिखा के मुझे वो चाहते हो कि मैं डरूं? पुलिस वालों को दिखा रही है हर जगह, पता है गाड़ी गई ना पुलिस वालों की यहाँ से, कांड किया। हाँ चोरी थोड़ी ना की है, क्या होगा, फाइन होगा। तो चलो अब राइड भी दे दो, आपको लेनी है राइड, राइड लेनी है आपको भी, ये लेके घर पे यार, इतना कि आप शोरूम के बाहर ही सबने राइड ली, राइड लूंगा तो आप क्या आप यहीं रह जाओगे? कैसी बात है, आपको घर भी जाना है ना, घर तो चलो फिर राइड पे, छोटी सी राइड। थोड़ा मजा आ रहा
और बाइक की आवाज़ सच में यार बहुत अच्छी है, मतलब बाकियों की तरह नहीं फटी हुई वाली। और अपना पूरा मोहल्ला भी मेरा गूंजने वाला, मेरे को तो सबसे खुशी अपने मोहल्ले में जाने की है। मेरा वाला मोहल्ला भी गूंजेगा जब ये कभी कभी छोड़ने आएगा, लोगों को पता लग जाएगा भाई कौन आ रहा है। और क्या भाई आवाज़, ये नॉर्मल आवाज़ है। थैंक यू फिर राइड के लिए और छोड़ने के लिए। इसका मेरे को टेंशन नहीं रह रही है, पकड़ के रखो, कोई पता नहीं पुलिस वाले हो वो पकड़ लेंगे, डाल देना पीछे। फिर चलो कोई नहीं, इनको एग्जॉस्ट का लुक दिखाना, इधर इधर नाली के साइड से आना, आराम से लुक देख, लुक कैसी आ रही, लुक देखना हमने कैसी लग रही। ताले देख वो कितना बड़ा लगा हुआ था, वो निकाल दिया ना, अब वो टैक्सी लग रहा होगा। वही तो बोल रहे हो, अब लग रहा है कि सुपर बाइक है। तब तुम आराम से जाना, ज्यादा पटाखे नहीं उठाना, ठीक है? हां मैं आराम से जाऊंगा, ठीक है कल मिलते हैं। ठीक है फिर कल करेंगे राइड, बाय, ध्यान से जाना। मैं घर पहुंच चुकी थी और ये देखो, हेलो कोको, कोको वो देख कैसे चढ़ रहा ऊपर, काटना नहीं, क्या हाल है, हाँ क्या हाल है आपके, हाँ हेलो काट रहे भाई, ये डराता है आजकल काटने के लिए आता है। तो और जब मैं घर पे आई ना तो मैंने ये देखा, क्या देखा, ये देखना, अरे ये देखो हमारे घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो वाला बच्चा कहाँ है, हमारे घर का बच्चा कहाँ है, हाय माय फैमिली यूट्यूब, हमारे वाला बच्चा कहाँ पे है, हाँ जी पीछे ये छुपा हुआ, ये देखो भाई, अरे तो आप क्या कर रहे हो बताओगे, हम गाने सुन रहे हैं। और गाइस इनको ना कंग्रेचुलेशन बोल देना, इन्होंने ना न्यू कार ली हुई है, कौन सी कार है, ब्रेजा ZX8 मॉडल, इधर देख के बोलना, ब्रेजा ZX8 मॉडल। और गाड़ी तूने चलानी है या पापा ने चलानी है, नहीं नहीं ये देखो कैसे चुप रही है, क्यों चुप रही है, तेरा भाई, तेरा भाई डर रहा, तूने नहीं सीखनी गाड़ी, तुझे देखो गाड़ी, गाड़ी नहीं सीखनी भाई, शर्मा आ रही है ये। और इसको देखो ये हीरो है घर का, वो मार के गया बदतमीज इंसान। और गाइस इस घर की ना सबसे बड़ी मैं हूँ, सबसे छोटा ये है ना, हम दोनों लाड़ मिले दादी के, है ना, भैया नहीं थे, देखो भाई डाल देखो, ओए कॉपीराइट आएगा गाइस, मेरे को मुझे लगता है मैंने सारी वीडियो ना सिखाने में बना दी और कॉपीराइट इन्हें ऐसे ही करते रहने, चलो मैं अपना अपने रूम में चलती हूं। सागर दी बूटी का इमीडिएट ला, इमीडिएट नहीं है कोई, मेरी वजह पूरी मेरी छेती छेती ड्राइवर ही सिखा दिखाने की ना, नहीं 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 देखो, तो चलो हम ना ऊपर चलते हैं क्योंकि इसने गाने लगाया और पता नहीं कॉपीराइट आ जाएगा यार मेरे ब्लॉग में। चल ठीक है, बाय 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 गाइस, मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो, और आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आएगा क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि लेट पहुंची थी, और आज तो अच्छे से राइड भी नहीं ले पाई मैं, और कल मैं अच्छे से एक राइड भी लूँगी और एक अच्छा सा व्लॉग भी बनाऊँगी जल्दी। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो गाइज आई एम सॉरी, मैं अभी चेंज कर रही थी जस्ट, और मुझे अभी पता चला कि यार मैंने किसी को ना विश ही नहीं की है, आज ईद है और कल नवरात्रे थे और मैं ना कल विश कर पाई ना आज विश कर पाई। और फाइनली मुझे अभी कपड़े चेंज करते टाइम मतलब याद आया कि मैंने तो विश भी नहीं की है यार किसी भी चीज़ की, उसके लिए आई एम सो सॉरी यार, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब मेरे को भूल ही जाता है यार, मैंने ना व्लॉग की स्टार्टिंग में विश की ना एंड करते टाइम विश की, तो फिर मैं दोबारा से मतलब कैमरा ऑन करके व्लॉग बनाने लगी कि मैं विश कर देती हूँ आप सभी को, आज ईद है तो सभी को ईद मुबारक, और नवरात्रे भी चल रहे हैं तो हैप्पी नवरात्रे, नवरात्रे तो कल थे बट मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया तो आज विश कर देती हूँ उसकी, तो एक बार फिर से ईद मुबारक और हैप्पी नवरात्रे। तो अब कल वाले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।